सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर की है। इन तीनों को मिलाकर त्रिदेव का निर्माण होता है। बता दें आपको, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी तो भगवान विष्णु इस जग के पालनहार बने और महेश यानी कि देवों के देव महादेव इस सृष्टि के संहारक बने। जी हाँ, भगवान विष्णु ने अपने कर्तव्य को कितनी ज़्यादा पालन के साथ निभाया है ये हम सभी जानते हैं। इस जग का पालनहार करने के लिए समय समय पर भगवान विष्णु कई अवतार को लेकर इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं और उन्हीं के एक अवतारों में से एक हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने द्वापर युग में अपना योगदान दिया। जहां उन्होंने कंस का वध किया तो वहीं महाभारत के युद्ध में उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली। जी हां, आपको बताएंगे कि जैसे कृष्ण के अनमोल वचन हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और कृष्ण जैसा सच्चा दिल हर किसी के पास होना चाहिए। कृष्ण के द्वारा कहे गए आज भी मूल मंत्र भागवत गीता में लिखा गया है और कहा जाता है कि कोई अगर इन भागवत गीता में लिखे वचनों के आधार पर अपनी जिंदगी जिए, अपना जीवन व्यतीत करे तो उसे अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्ण के न्याय का ही एक उदाहरण। जी हाँ, कृष्ण ने अपने निजी जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया और ये उदाहरण उसी बात का प्रतीक है। युद्ध के क्षेत्र में भले ही कृष्ण ने सच्चाई को जिताने के लिए अपनी तरफ से कुछ छल कपट जरूर किए, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ताकि अंत में विजय सत्यता की हो। लेकिन आज उनके निजी जीवन की एक कहानी बताने जा रहे हैं, जब उनके ही प्रिय व्यक्ति को नरक का रास्ता देखना पड़ा था और वो भी सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। ये हम सभी जानते हैं कि महाभारत में एकमात्र पात्र ऐसा है जो अपने पूरे जीवन में सत्यता के रास्ते पर चला था और वो नाम कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर है। जी हाँ, पांचों पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर को अनेक मानवीय गुणों के कारण धर्मराज का दर्जा दिया गया। युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में उन्होंने धार्मिक आचरण का पालन किया, सत्यवादिता के रास्ते पर वो चले। पांचों पांडवों में से एकमात्र ऐसे युधिष्ठिर ही थे जो अपने पूरे शरीर के साथ स्वर्ग तक जा पहुंचे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने से पहले नरक का रास्ता देखना पड़ा था। और क्यों? श्री कृष्ण के प्रिय युधिष्ठिर को नरक का रास्ता देखना पड़ा और क्यों श्री कृष्ण उस समय कुछ नहीं कर पाए, इस बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ सालों बाद ही विनाश लीला शुरू होने लगी, श्री कृष्ण ने भी मानव देह को त्याग दिया और वापस वैकुंठ में जाकर विराजमान हो गए। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद पांडवों ने भी परलोक से जाने का मन बना लिया। पांडवों ने अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और परलोक जाने के उद्देश्य से वो हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय पार करने के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लग गए, तब युधिष्ठिर को छोड़कर सभी एक एक करके मार्ग में ही गिरने लगे और अंत में युधिष्ठिर रह गए। तो देवराज इंद्र वहां आए और युधिष्ठिर को रथ पर बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां पर नहीं है। अपने भाइयों को वहां ना पाकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उन्होंने वहां मौजूद देवताओं से कहा कि अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर की बात मानकर देवराज इंद्र ने उन्हें नरक के द्वार पर छोड़ दिया।
नर्क के द्वार पर युधिष्ठिर को दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें जिनकी थी वो युधिष्ठिर को वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास वापस लौट जाओ। अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों और पत्नियों को सुख मिलता है तो मैं यहीं उनके साथ रहूँगा। देवदूत युधिष्ठिर की बात मानकर वहाँ से चले गए और उसने युधिष्ठिर के नर्क में रहने के निर्णय के बारे में देवराज इंद्र को बताया। कुछ समय बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर से मिलने नर्क पहुँचे। देवताओं के आगमन से सुगंधित हवा बहने लगी और मार्ग पर प्रकाश छा गया। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें बताया कि महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का यकीन दिलाया था और केवल यही एक पाप था जिसकी वजह से युधिष्ठिर को भी नर्क की यातना सहने पड़ी और इसी कारण तुम्हें छल से नर्क के दर्शन करवाए गए। तुम्हारे भाई और पत्नी सभी स्वर्ग में ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, केवल युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक यही मात्र पाप किया था कि महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने छल से गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का उनको यकीन दिलवा दिया था जिसकी वजह से उन्हें नर्क भोगना पड़ा, नर्क में जाना पड़ा। और ये एक ऐसी स्थिति थी जब श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाए, जब उनके ही प्रिय युधिष्ठिर नर्क में गए। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।